ओ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपके मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एग्जाम होने वाली है उसमें बहुत सारे बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। आप यदि डाउनलोड करने जा रहे हो तो लॉगिन भी कर रहे हो तो आपको वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर तो दिख रहा है बट आपके पास एडमिट कार्ड का नंबर नहीं दिख रहा है और जो लिंक खुली थी अभी जो ग्रुप वाली उसका भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और बहुत से बच्चों के एडमिट कार्ड क्यों नहीं आए वो आज सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी जानकारियां मिलती रहेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी एग्जाम्स होने वाली है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की, तो आपके बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके एडमिट कार्ड नहीं आए तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और वो जिन बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं आए उनका कुछ ना कुछ रीज़न रहा है कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या तो फिर कुछ और प्रॉब्लम हुई होगी फॉर्म में, इस कारण उनके जो एडमिट कार्ड है वो नहीं आए। तो सबसे पहले बात करते हैं, वैसे बहुत से बच्चे हैं जिन लोगों ने ऐसे बच्चे हैं जिन CPCT ना होते हुए भी फॉर्म भर दिया है। ऐसे बहुत से बच्चे मेरे पास आए हैं जिनके कमेंट भी आए हैं और पर्सनली मैसेज आए हैं कि सर मैं हमारे पास CPCT नहीं है फिर भी हमने फॉर्म भर दिया है तो क्या आने वाली जो CPCT पास करके हम जमा कर सकेंगे। तो उनके भी बहुत से बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं आए और बहुत से बच्चों के जिनके एडमिट कार्ड आए और उनने CPCT नहीं कर रखा है तो वो तो ऐसे भी बाहर है। ठीक है, फिर बात करते हैं दूसरे बच्चों के जिनके एडमिट कार्ड नहीं आए, उनने फॉर्म में कहीं ना कहीं गलती करी है, किसी किसी के फोटो में गलती हुई है जैसे फोटो का बैकग्राउंड वैकग्राउंड को लेके होता है, उनके भी एडमिट कार्ड नहीं आए। लगभग बहुत सारे बच्चों का मैसेज आए थे मेरे पास, उनके भी एडमिट कार्ड नहीं आए। और थोड़ी बहुत जो गलती होती है, कुछ बच्चों ने गलती करी है फॉर्म में उस कारण भी उनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। तो आपके जो एडमिट कार्ड नहीं आने का जो कारण है वो आपने कहीं ना कहीं आपके फॉर्म में गलती करी है, इस कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है और आपका जो एडमिट कार्ड है वो नहीं आया है। लगभग ऐसे मेरे पास 50 बच्चों के मैसेज आए थे, लगभग 40-50 बच्चों के जिनके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के। तो उनका कहीं ना कहीं यही कारण रहा है कि कहीं ना कहीं उनने गलती करी है फॉर्म में। और बहुत से बच्चों ने ये अपनी समझदारी दिखाई है कि CPCT ना होते हुए भी फॉर्म भर दिया है तो वो उन बच्चों का भी रिजेक्ट हुआ है। और इन फ्यूचर भी यदि CPCT ना होते हुए अभी अपने फॉर्म भर दिया है तो वो ऐसे भी बाहर होना है। तो ऐसे बच्चे जो जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है तो उनका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है और आपने कहीं ना कहीं गलती करी है फॉर्म में इसलिए आपके एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो आप अगली बार के लिए तैयार रहिए और होप सो आप ऐसी अब अगली बार से गलती ना करें फॉर्म में। यदि आपको फॉर्म भरना नहीं आ रहा है तो आप MP ऑनलाइन पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं, खुद से ऐसी समझदारी ना दिखाएं जिससे आपका अगली बार भी फॉर्म रिजेक्ट हो और एडमिट कार्ड ना आए। तो यही आपको समझाना था कि आपके एडमिट कार्ड इसलिए नहीं आए होंगे क्योंकि आपके फॉर्म में कहीं ना कहीं गलती हुई है और आपने अपनी समझदारी दिखाई है। तो होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होगी, चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।